नमस्कार, मुं डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी। प्रिय छात्र छात्रीगण, आज आलोचना कार्यक्रम आम वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास 20 गोटी प्रश्न उत्तर को आलोचना करवा। चलो देखा प्रथम प्रश्न कौन कहूँ। आई एम द स्टेट डायलॉग रिलेटेड विथ ह्विच नेशंस रेवल्यूशंस। गोटे शब्द मुझे राज्य, यही शब्दटी कौ राष्ट्रर विप्लव सहित जड़ित। इंग्लैंड, फ्रेंच, रूसिया, जर्मन। तो पाने एक नंबर उत्तर टी हम बी फ्रेंच। फ्रांस जो ऑटोक्रेटिक रूलर माने शासन करथुले, से ऑटोक्रेटिक रूलर मानक मध्यरु जड़े रूलर कहिथिले निजको आई एम द स्टेट, मु कहिले एही फ्रांस बा राज्य को बुझाए बोली से कहिथिले निजर अहम भाव रे, जहाँकि गोटे विद्रोहर ईंधन रूप में मध्य शब्द कार्य कर। दुई नंबर प्रश्न को वर्तमान देखा। ह्विच डायनेस्टी रूलर स्टेटेड हिमसेल्फ आई एम द स्टेट। जो आई एम स्टेट कही निजकु सी कौ राजवंशर आसी, बर्बन, स्टुआर्ट, स्कॉटिश, ऑस्ट्रिश। तो पाने दुई नंबर उत्तर टी हम ए बर्बन। बर्बन राजवंशर बिलंग करुले, जो कि राजा जी की आई एम द स्टेट। बर्तमान देखिए आम तीन नंबर प्रश्न। हु सेड आई एम द स्टेट। देखु गोटे आई एम द स्टेट को नहीं आम वाक्य कर एसएसबी एक प्रकार प्रश्न आसी। किए कहले मुझे स्टेट, लुईस 16, लुईस 15, लुईस 14, 16, लुईस 15, लुईस 17, लुईस 14। तो पाने तीन नंबर उत्तरटी हम डी लुईस 14, लुईस 14। चतुर्दश लुई जिते बड़े फ्रांस रे शासन करथुले, तांको शासन समय रे से कहिथिले आई एम द स्टेट, मुझे राज्य, राज्य कहले मु बुझाए। तापर देखिए पाने नेक्स्ट चारि नंबर प्रश्न को आलोचना करवा कौन कहूँ। हु नोन आफ्टर हिम द डिलोग इन फ्रांस। किए जनाशुना आफ्टर हिम द डिलोग इन फ्रांस। फ्रांस रे किए जनाशुना आफ्टर हिम द डिलोग, तांको परे महाप्लावन एही शब्द पिं किए जनाशुना फ्रांस रे। लुईस 14, लुईस 15, लुईस 16, लुईस 17। तो पाने चारि नंबर उत्तर हूँ बी लुईस 15। पंचदश लुई 15 लुई जिते बड़े शासन करुले से समय से कही आफ्टर मी द डिलोग, मो परे महाप्लावन। तेणु ये चारि नंबर उत्तर टी हम पाने बी, कहीं ये डायलॉग गुड़िक ही फ्रांस विप्लवर गोटे मुख्य ईंधन पाने। तापर आम देखा पांच नंबर प्रश्न। द मिडिल क्लास पीपुल ऑफ फ्रांस नोन एज। फ्रांस रो मध्यवित श्रेणीर लोक मानू कौन कहला। प्रायस, नोबेल, बर्जियस, रॉयल फैमिली पीपुल्स। तो पांच नंबर पाने उत्तर टी हम सी बर्जियस। बर्जियस क्लास बोली से कहला मध्यवित श्रेणीर लोक मानू फ्रांस रे बर्जियस बोली कहला। तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न पाने प्रश्न नंबर छह। छह नंबर प्रश्न कौन कहे आमको। द बर्जियस पीपुल रिलेटेड विथ ह्विच क्लास ऑफ फ्रांस सोसाइटी। बर्जियस पीपुल माने जो फ्रांस सोसाइटी रही थे कौ श्रेणी सहित संपर्क। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, नन अफ द एबव, ए भितर भी कौठ नुह। छ नंबर उत्तर टी पाने हम बर्जियस पीपुल कहले मिडिल क्लास श्रेणी को बुझौला। तो पढ़ीचे मिडिल क्लास लोक मान बर्जियस बोली कहला। छ नंबर उत्तर टी है बी। तापर देखा सात नंबर। फर हाउ मेनी इयर्स द स्टेट जनरल हेड नॉट मीट इन फ्रांस। केते वर्ष हला जनरल द स्टेट जनरल मीटिंगटा हो नथिला। 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष,
175 ବର୍ଷ। ତ ପିଲାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଫ୍ରାନ୍ସ 175 ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜେନେରାଲ ମିଟିଂ ହୋଇନଥିଲା। 7 ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 8 ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଲର କାଲ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଆଫ୍ଟର 175 ଇୟର୍ସ। କେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶାସକ 175 ବର୍ଷ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସଭାକୁ ଡାକିଥିଲେ? ଲୁଇସ୍ 14, ଲୁଇସ୍ 15, ଲୁଇସ୍ 16, ଲୁଇସ୍ 17। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି, ଲୁଇସ୍ 16। 16 ଲୁଇ ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ 175 ବର୍ଷ ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜେନେରାଲ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 9 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ କାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ମିଟ୍ ବାଇ ଦ ଫ୍ରାନ୍ସ କିଙ୍ଗ ଲୁଇସ୍ 16। କେଉଁ ମସିହାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ମିଟିଂଟି ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ଲୁଇସ୍ 16 ଡାକିଥିଲେ? 1799, 1790, 1791, 1792, 1789, 1700, 1791, 1792। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 9 ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ, 1789। 1799 ମସିହାରେ 16 ଲୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 10 ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏସେମ୍ବ୍ଲି ୱାଜ୍ କମ୍ପୋଜଡ୍ ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍। ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏସେମ୍ବ୍ଲିଟି ଥିଲା, ସଭାଟି ଥିଲା, କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍, ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍, 3 ଷ୍ଟେଟ୍, 4 ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 10 ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି, 3 ଷ୍ଟେଟ୍। 3 ଷ୍ଟେଟ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇ 3 ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇକରି ଫ୍ରାନ୍ସର ଏସେମ୍ବ୍ଲି କମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, କମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଥିଲା ମାନେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 11 ପ୍ରଶ୍ନ, 11 ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା, ଦ କ୍ଲେର୍ଜି ପିପୁଲ ୱାଜ୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। କ୍ଲେର୍ଜି ଲୋକମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା 3, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମାନେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ 11 ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସଭ୍ୟ ରହୁଥିଲେ କ୍ଲେର୍ଜି। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଟପ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଯାଉଥିଲେ, ଅପର କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଯାଉଥିଲେ କ୍ଲେର୍ଜି ପିପୁଲ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 12 ପ୍ରଶ୍ନ, 12 ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାନ୍ସର ଥିଲା, ତାର ନୂଆ ନାମକରଣ କ'ଣ କରାଗଲା? ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ, ନ୍ୟାସନାଲ ଏସେମ୍ବ୍ଲି, ନେସନ୍ସ ଏସେମ୍ବ୍ଲି, ନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ୍? ତ ପିଲାମାନେ 12 ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି, ନ୍ୟାସନାଲ ଏସେମ୍ବ୍ଲି। ନ୍ୟାସନାଲ ଏସେମ୍ବ୍ଲିର ଜାତୀୟ ସଭା, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନେ, ବର୍ଜ୍ୟସ ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟ ସଭା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 13 ପ୍ରଶ୍ନ, 13 ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ହେଲ୍ଡ ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ହେଇଛି? ପ୍ୟାରିସ୍ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ପିଲାମାନେ, ପ୍ୟାରିସ୍ ମାନେ ଟ୍ରିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାରିସ୍ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1781, 1782, 1783, 1784। 13 ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି, 1783 ମସିହାରେ ଟ୍ରିଟିଟି ହୋଇଥିଲା ଆମେରିକା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 14 ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ପୁଞ୍ଜିପତି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଲିବରାଲିଜମ୍, କମର୍ସିଆଲାଇଜମ୍, ମାର୍କେଟାଲିଜମ୍,
ग्विल्ट ग्विल्ट करिवे एटे जीटा प्रिंट हेनी ग्विल्ट तो पिला माने एटे 14 नंबर रो उत्तर टी अवश्य मार्केटियलिज्म मार्केटियलिज्म चिंताधाराटा कैपिटालिज्म सहित जड़ित मार्केटियलिज्म आपण माने पढ़ी डिग्री रे जहाँकि गोटे देशर बणिक मैंने अन्य देश में व्यवसाय करेंगे जहाँ लाभ हम तक मातृदेश जोठू से आईटे नहीं डिपोजिट करेंगे ताक मार्केटियलिज्म कहुए तापर देखिए पे 15 नंबर प्रश्न कौन कौन इन फ्रांस ट्रांसफर्मड एब्सोल्यूट मोनार्क्सी टू व्हिच सिस्टम फ्रांस रे जो फ्रांस रिवल्यूशन है से समय एब्सोल्यूट मोनार्क्सी टू एकछत्रवादी चिंताधारा टू को सिस्टम को गति करथिला पार्लियामेंटरी मोनार्क्सी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्सी डेमोक्रेटिक मोनार्क्सी डेस्पोटिक मोनार्क्सी तो पिलामाने 15 नंबर रो उत्तर टी हम बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्सी सांविधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था को एब्सोल्यूटली मोनार्क्सी एक छत्रवादटा सांविधानिक मोनार्क्सी को गति करथिला तो पिलामाने 15 नंबर रो उत्तर टी हला बी वर्तमान देखिबा आमे 16 नंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेनेसा रेनेसा शब्दर अर्थ कौन फेथ करेक्शन प्यूरिफिकेशन रिवर्थ तो पे 16 उत्तर टी हम डी रिवर्थ रिवर्थ हूँ रेनेसा शब्दर अर्थ बा पुनर्जन्म तापर देखिए आम 17 नंबर फ्रम व्हिच लैंग्वेज द वर्ड रेनेसा हेज बीन डिराइव्ड कौ भाषार रेनेसा शब्दी आसीअ फ्रेंच इटली आरब पर्तुगाल हम पाने तो पाने 17 नंबर उत्तरखंडिक हम ये फ्रेंच फ्रेंच भाषार यही शब्दी अणा जा रेनेसा शब्द तापर देखिए नेक्स्ट पाने 18 नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न मुझे कौन कह पाने व्हेन डिड द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टेक प्लेस रेनेसार प्रश्न पाने क्योंठे कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंटिनोपल रो पतन होता 1451 1451 1452 1452 1453 1454 1554 एडी ये सब एडी कौ मसीहार कॉन्स्टेंटिनोपल रो पतन होता पाने तो पाने उत्तर टी हम 1880 1453 1453 मसीह कॉन्स्टेंटिनोपल रो पतन होता एक कॉन्स्टेंटिनोपल रो पतन ही पाने रेनेसा नवजागरण आनीदेला तापर आम देखिए पे 19 नंबर प्रश्न पेट्रेस नाउआज एटा भी रेनेसार प्रश्न पेट्रेस कौन रूप से जनाशुना फादर ऑफ फ्रांस ह्यूमनिज्म फ्रांस रो मानववाद रो चिंताधारा रो जनक फादर ऑफ इटालियन ह्यूमनिज्म इटाली रे मानववाद रो जनक होचंती पेट्रेस फादर ऑफ पेंटिंग आईएनजी करिवे जीडा प्रिंट हेनी फादर ऑफ पेंटिंग रंग आउ चित्रकला रो जनक फादर ऑफ आर्किटेक्चर स्थापत्य रो जनक ए भितर कोडा पिला माने पेट्रेस को कौन बोली कहुच तो पिला माने 19 नंबर रो उत्तर टी हम भी फादर ऑफ इटालियन ह्यूमनिज्म फादर ऑफ इटालियन ह्यूमनिज्म का कहुच पिला माने पेट्रेस को कहुच वर्तमान आम देखिया 20 नंबर प्रश्न हु इज द ऑथर ऑफ डिवाइन कॉमेडी रो लेखक किए बोकासिया दांते पेट्रेस गालिलियो तो पाने 20 नंबर रो उत्तर टी अति सहज समस्त आसुव दांते दांते रचना करचंती डिवाइन कॉमेडी प्रथम ये पुस्तक जिते दांते रचना करते केवल कॉमेडी रूप से प्रचलित थिला किंतु पर अन्यान्य दार्शनिक माने डिवाइन कॉमेडी रूप से डिवाइन शब्द को जोड़ी देते दांते द्वारा गुरुत्वपूर्ण पुस्तक गुड़िक मन रखिए कहीं परीक्षा आसुची रेनेसा समय गुरुत्वपूर्ण विषय दांते प्रश्न प्रायत आसी था।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ।